तो गाइस तो कैसे हो आप लोग। कंट्रोवर्सी की लाइन लग गई है दिल्ली प्रो शो होने के बाद। इस बार क्या हुआ कि भुवन चौहान ने एक कमेंट किया कि जब टोनेटो प्रो शो हुआ था उसमें एक बैन नाम के एथलीट थे जो कि ओलंपिया में जिसकी रैंकिंग भुवन की जितनी ही थी, तो उसने हरा दिया था अली बिलाल को। अली बिलाल ने कहा था कि मैंने टोनेटो प्रो शो में ऑफ था मेरा, मतलब पीक हिट नहीं कर पाए थे इसलिए फिफ्थ रैंकिंग आई थी, ठीक है, वरना दिल्ली प्रो शो में उनकी 100% दिया था उन्होंने, फिर भी थर्ड आया। दूसरा एक तरफ ये है, दूसरी तरफ खुद आके राहुल फिटनेस भाई बोलते हैं कि भुवन भाई अली बिलाल भाई, अली बिलाल भाई आप फर्स्ट थे, मैं थर्ड आना चाहिए था। ये होती है ह्यूमैनिटी, ये होती है हम्बलनेस, ये होता है लॉयल्टी, ठीक है। वो खुद को थर्ड मान रहे हैं लेकिन क्यों उनको दिख रहा है अली बिलाल यार कितनी शार्प शेप लेके आए, वो फर्स्ट ही डिजर्व करते थे। एक दूसरी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, आपको पता हो तो वो कंट्रोवर्सी चल रही है तरुण गिल और अनस्टॉपेबल सिद्धांत जायसवाल के बीच में। कंट्रोवर्सी क्या है कि तरुण गिल मुद्दा उठा रहे थे कि गायनो जिसका गायनो है वो कैसे प्रो शो जीत सकते हैं और सिर्फ क्लासिक प्रो शो में भी थर्ड रैंकिंग कैसे ला सकता है। इस पर सिद्धांत जायसवाल ने कहा कि स्टेरॉइड्स लेने वाले के गायनो तो हो ही जाता है, मतलब हो जाता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर उनकी कंडीशन कितनी बेहतरीन थी। लेकिन तरुण गिल तो भाई है शार्प माइंडेड, उसने एक वो निकाला कहीं से जिसमें दिया हुआ था कि जो प्रो शो में पाया गया या फिर शो खेलते हुए पाया गया एमेचर ओलंपिया उसके अगर गायनो है तो वो आउट हो जाएगा शो से। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बाकी एथलीट के स्ट्रक्चर अच्छे नहीं थे क्या, उनके तो गायनो भी नहीं थे, ये कोच की गलती है, ठीक है, लेकिन कोच तो वही है मेडल जितवाने वाले, उनके खिलाफ कैसे बोल जाए। तो बड़ा मज़ा आ रहा देखने में ये कंट्रोवर्सीज। आपको क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन जरूर साझा करें। आपको पता है गाइस अली बिलाल ने क्या कहा है, ओलंपिया में देखेंगे किसकी क्या रैंकिंग रहेगी, और ये बात भुवन कभी नहीं बोलता और ना ही बोलने की हिम्मत रख रहा है, फिर भी हमें देखने में मजा आएगा कि ओलंपिया में रैंकिंग क्या रहने वाली है। वैसे अली बिलाल के आसपास भटकने भी नहीं देंगे अली बिलाल अपने।